हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अदिति राठी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर। आईपीएल के 14वें सीजन में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने 32 गेंदों पर 9 चौकों की मदद से 51 रन की पारी खेली। पंत की इस शानदार पारी का अंत रियान पराग ने किया। पराग ने दिल्ली कैपिटल्स की पारी के 13वें ओवर की चौथी गेंद पर पंत को बेहतरीन थ्रो के जरिए रन आउट किया। पराग ने पंत को आउट करने के बाद मैदान पर ही बीहू डांस करना शुरू कर दिया। आईपीएल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को पोस्ट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पराग के फैंस उनके मूव्स की जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि अपने पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स के युवा खिलाड़ी रियान पराग ने पंजाब के यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल को आउट किया था, जिसके बाद उनके अजीब बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठाए गए थे। फिलहाल वापस बात कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए मैच की। पराग की चौथी गेंद को पंत लेग साइड की ओर से खेले और तेजी से रन लेने के लिए दौड़े। इस बीच पराग ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए बॉलिंग वाले छोर पर गेंद फेंकी, जो सीधा विकेट के ऊपर जाकर लगी और पंत रन आउट हो गए। फील्ड एम्पायर ने तीसरे एम्पायर की मदद ली, लेकिन टीवी कैमरे में साफ हो गया कि ऋषभ पंत रन आउट हो चुके थे। इससे पहले राजस्थान ने टॉस जीतकर दिल्ली को पहले बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया। दिल्ली ने 8 विकेट पर 147 रन बनाए। राजस्थान की ओर से पेसर जयदेव उनादकट ने सबसे अधिक 3 विकेट लिए। रॉयल्स की सटीक गेंदबाजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली की पारी में एक भी छक्का नहीं लगा। राजस्थान रॉयल्स की जबरदस्त बॉलिंग को लेकर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्पोर्ट्स आर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।